क्या आप भी एक ऐसा सेटअप बॉक्स चाहते हैं जो लाइफ टाइम के लिए आपको चैनल की सुविधा फ्री में दे, साथ साथ उसमें आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सके? तो सोलिड की तरफ से एक सेटअप बॉक्स है जिसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग इस वीडियो में मैं आपके लिए करने वाला हूँ। ये क्यों आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें एयरटेल और वीडियोकॉन सेटअप बॉक्स के बारे में, तो ये दोनों पे ब्रांड है, इनमें आपको चैनल खरीदना पड़ता है। पर सोलिड की तरफ से जो सेटअप बॉक्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो फ्री में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम हिमांशु राव, सभी का मैं स्वागत करता हूँ एच एम एस ट्यूटोरियल चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं सोलिड के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग इसकी करने वाला है। सोलिड का जो ये सेटअप बॉक्स हमारे पास आता है, ये डायमंड सीरीज के साथ आता है। इसकी सीरीज डायमंड है। USB, Wi-Fi 1080, पिक्चर क्वालिटी, फुल HD, यूट्यूब, ये सारी सुविधा आपको मिलती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फ्री टू एयर है, मतलब इसके अंदर जितने भी चैनल है वो सारे फ्री में है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, इसके अंदर साउंड क्वालिटी, इसकी HD क्वालिटी हुई, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। देखिए हर सेटअप बॉक्स के बारे में मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ, पर इस सेटअप बॉक्स को यूज़ करने के बाद मुझे इसके डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं लगे। इसमें जितने भी इसके अंदर फीचर है सब इसके एडवांटेज ही है। तो चलिए इसका हम अनबॉक्सिंग हम करते हैं। जब इसको आप बॉक्स में से ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो सेटअप बॉक्स है वो हमको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, जो व्हाइट कलर के साथ हमारे पास आता है। इसके जो बाकी एसेसरीज है वो भी हमको यहाँ पे बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमको पहले तो एडोप्टर इसका मिलता है ताकि आप इसको यूज कर सके पावर सप्लाई के थ्रू, और हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है किसका रिमोट जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमको सपोर्टिंग केबल दी गई है, 8 से 3 पिन की केबल यहाँ पे हमको दी गई है ऑडियो वीडियो के लिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सेटअप बॉक्स के बारे में। व्हाइट कलर के शाइनिंग बॉडी के साथ ये हमको मिलने वाला है, जिसके अंदर वाईफाई यूएसबी की सुविधा यहाँ पे दी गई है। अगर फ्रंट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने के लिए मिलता है जिससे आप इसको ऑन और ऑफ करते हैं, और सामने की तरफ नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए। पीछे के हम अगर हम बात करें तो LMB का जो कनेक्शन होता है, यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं LMB इन और आउट के लिए। यहाँ पर RCA की भी आपको सुविधा दी गई है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, HDMI केबल और बहुत सारे इसके अंदर आपको पावर सप्लाई की भी यहाँ पे दी गई है। USB 2 USB आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मतलब आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो इसमें रिकॉर्डिंग होती है चैनल्स की या फिर किसी भी शो की वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया बस सेटअप बॉक्स के बाद इसके अंदर वाईफाई आपको देखने के लिए मिलता है, और यूएसबी जो मैंने आपको बताई दिया यूएसबी भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका रिमोट आता है, रिमोट के थ्रू आप इसका जो रिकॉर्डिंग है और बाकी जो इसके फीचर है उस सबको यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जितने भी चैनल है वो सारे चैनल हाई लेवल के चैनल हैं, जैसे कि स्टार प्लस, सोनी या स्पोर्ट्स के चैनल इसके अंदर नहीं आते। इसके अंदर जितने भी लोकल चैनल है जो गवर्नमेंट सुविधा हमको देती है वो सारे इसके अंदर चैनल आते हैं। तो अगर आप एक अच्छे से चैनल की एक्सपर्ट इस सेटअप बॉक्स से करें तो मैं आपको कहना चाहूँगा ऐसे एक्सपर्ट आप इस सेटअप बॉक्स से ना करें, इसके अंदर सारे लोकल चैनल आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट जरूर करें, और क्या जानना और चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।